मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आप मैक्रोनीस को थोड़ा नमक डाल के उबाल लीजिए। इसके साथ ही दो टमाटर भी उबाल लीजिए। उबलने के बाद इनका पानी छान के इन्हें अलग रख दीजिए। उबले हुए टमाटर को आप कांटे या चम्मच के थ्रू मैश कर लीजिए। ये काफी गर्म होगा तो हाथों का प्रयोग ना ही करें तो बेटर है। एक पैन में 4 से 5 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल गरम कर लीजिए। इसमें बारीक कटे हुए 4 से 5 लहसुन डाल दीजिए, बारीक कटा हुआ अनियन डाल दीजिए, एक बड़ा चम्मच मक्खन डाल दीजिए। इनको मीडियम हीट पे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लीजिए। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब इनमें मैश टमाटोज डाल दीजिए जो हमने पहले से ही मैश करके अलग रखे हुए थे, और इसको मीडियम हीट पे फ्राई करते रहिए। थोड़ी देर बाद इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालिए, फिर इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डालें। कुछ मिनटों के लिए इसको फ्राई कीजिए मीडियम हीट पर। अब इसमें जो उबले हुए मैक्रोनीज हमने पहले ही अलग रखे थे उनको डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार डालें। इसे मीडियम हीट पे कुक करते रहिए 5 से 7 मिनट के लिए। जैसे ही अच्छे से कुक हो जाए इसमें कुछ तुलसी के पत्ते या धनिया की डंठल काट के डाल दीजिए, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है। इसे धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए मिक्स करिए और फिर गैस स्विच ऑफ कर दीजिए। डिलीशियस मैक्रोनी पास्ता अब तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।